तो दोस्तों आज के दिन ओपन की जानी मानी टीमें इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करेंगी। और आज के दिन का पहला मैच अशोक इलेवन पवई वर्सेस स्ट्राइकर के बीच शुरू होने जा रहा है। स्ट्राइकर्स अपने सलामी बल्लेबाज आपको रेडी पोजीशन में रखना है और मैच की शुरुआत करनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंपायर से फिर एक बार कि प्लीज मैच की शुरुआत करें।
चलते हैं दोस्तों, मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज मामा। इस बीच पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे विशाल, और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक हैंड पर नजर आ रहे हैं हार्दिक। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में। मामा की अगली गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर देखने मिली थी। दादू डेंजर प्लेयर है, काफी बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है, और जरूर मिसफील्डिंग की थी, ताबड़तोब उनकी बदली की गई है। दादू को अंदर लाया गया है और दादू की जगह मिड विकेट पर दिनिया को भेजा गया है। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार मामा। मामा की अगर बात करें तो लंबे चौड़े कद के हैं, अच्छे अनुभवी गेंदबाज हैं, सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते हैं। सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से विशाल। विशाल ने दो गेंदों का सामना किया, एक गेंद जरूर डॉट के रूप में देखने मिली और दूसरी गेंद पर ताबड़तोब चौका जड़ा। दादू की थोड़ी सी मिसफील्डिंग और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आई। इसी बीच मामा की अगली गेंद, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का पतंग होता हुआ। पहली सफलता यहां पर मामा को मिलती हुई और एक बड़ा विकेट हाथ लगता हुआ बिल्कुल कहा जाएगा विशाल के रूप में। बिल्कुल थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने जब बल्ले को स्विंग किया गेंद काफी समय तक के हवा में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया और पहली सफलता यहां पर मिलती हुई मामा को विशाल के रूप में। विशाल आउट हो चुके हैं, अब देखते हैं विशाल की जगह लेने के लिए कौन से नए बल्लेबाज को भेजा जाता है। स्ट्राइकर की ओर से आ रहे हैं नए बल्लेबाज, यानी वन डाउन बल्लेबाज कहा जाएगा, हरदीप नरू नॉन स्ट्राइक हैंड पर। हार्दिक सामना करने के लिए तैयार है इस प्रतियोगिता में, इस मैच में पहली बार सामना करेंगे मामा का, तो देखते हैं क्या हार्दिक बड़े स्ट्रोक के साथ आगाज करते हैं या फिर सिंगल डबल से। मामा एक अनुभवी गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार मामा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गेंद को दिशा दी, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन की तरफ जाता हुआ। एक रन के साथ यहां पर हार्दिक ने अपना खाता खोला, साथ ही साथ टीम के लिए एक रन जोड़ने में कामयाब नजर आए। स्कोरबोर्ड पर अगर नजर डालते हैं तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 5 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, एक चौका लगने के बाद अच्छी वापसी की है मामा ने। इस बार फुल लेंथ गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, लो फुल टॉस गेंद पर प्रहार किया था, स्ट्रेट ड्राइव किया था, शॉट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करने में सक्षम और कामयाब, लेकिन एक रन चुराने में यहां पर सफलता जरूर बल्लेबाजों को मिलती हुई। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें जरूर बताना चाहेंगे कि पहली मैच जारी है स्ट्राइकर वर्सेज अशोक 11 पवई के बीच। टॉस जीतकर अशोक 11 पवई ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार मामा। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, बिल्कुल पीछे का फर्नीचर यानी विकेट का फर्नीचर बिखेरती हुई गेंद, विकेट का पतंग होता हुआ। जो नए बल्लेबाज आए थे विकेटों के बीच में, विकेट जरूर यहां पर गिरती हुई और एक और सफलता मामा को मिलती हुई। नरू अपना खाता भी नहीं खोल पाए और आउट होकर पवेलियन के लौटते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई स्ट्राइकर्स की टीम का।
न्यू बैट्समैन, काफी सीनियर खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी बिल्कुल कहा जाएगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर नजर आते हुए उमेश मांजरेकर, टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा सितारा कहा जा सकता है, काफी बड़े खिलाड़ी हैं और आज स्ट्राइकर की टीम से परफॉर्मेंस करते हुए नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। गेंदबाज अभिषेक को लाया गया है। मामा की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, 4 रन जरूर मिस फील्डिंग के कारण मिले थे, लेकिन अब यहां पर अभिषेक दूसरा ओवर लेकर तैयार। इस बार काफी बेहतरीन स्ट्रोक हार्दिक का, गेंद डिक्लेयर जोन में, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं नजर आता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर काफी समय के बाद आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड में फेरबदल नजर आती हुई, स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन। दूसरा ओवर जारी है, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही गेंद को डिक्लेयर जोन में यानी दिशा दी थी बल्लेबाज हार्दिक ने और 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। कल की अगर बात करें तो कल का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्कोर बिल्कुल 84 रन, काफी बड़ा विशाल स्कोर किया था माहुल की टीम ने, बेहतरीन बल्लेबाजी। बिल्कुल अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार अभिषेक, इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास, खूबसूरत फील्डिंग, सुंदर सत्रो और नजदीकी मामला हो सकता था। गेंद को डायरेक्ट फील्ड करने की कोशिश, अगर गेंद को फील्ड करकर स्टंप से लगा दिया जाता तो नजदीकी मामला हो सकता था, दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे, लेकिन कहा जा सकता है कि जीवन दान जरूर मिलता हुआ बल्लेबाज को और इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं यह देखना जरूरी। प्लीज अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, अंपायर का जो निर्णय होगा अंतिम और आखिरी निर्णय होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अंपायर देखते हैं किस तरीके का डिसीजन अपना यहाँ पर क्लियर करते हैं। हमारे दोनों ही अंपायर काफी अनुभवी अंपायर हैं, प्रसाद और मनीष जी, ये दोनों ही अनुभवी अंपायर्स हैं, एमसीए पैनल के अंपायर्स हैं, एमसीए मान्यता प्राप्त अंपायर कहा जाएगा। दोनों ही अंपायर्स कैप्टन से कुछ बातचीत करते हुए, यस बिल्कुल, हमारे जो आयोजक कमेटी मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स से हमारे बातचीत करते हुए अंपायर्स, देखते हैं किस तरीके का डिसीजन यहां पर डिक्लेयर किया जाता है। प्लीज खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि अंपायर से दूर आप हो जाएं। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, प्लीज ग्राउंड के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है तो पहले अंपायर की अनुमति लें, उसके बाद ही आप ग्राउंड के अंदर आए। दोनों ही टीमें के जो भी खिलाड़ी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अंपायर का जो निर्णय होगा उसे स्वीकारना होगा। मोनू, मोनू प्लीज जा कहीं पे भी हो आपको यहां पर आना है। मोनू, मोनू प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं, मौका मिला है अब एक बेहतरीन खिलाड़ी को। बिल्कुल उमेश मांजरेकर, टेनिस क्रिकेट का काफी बड़ा नाम कहा जाएगा। इसी बीच अभिषेक की ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही बढ़िया पुल किया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए, खूबसूरत चौका, व्हाट अ स्ट्रोक। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, सही टाइमिंग और साथ ही साथ अच्छे प्लेसमेंट का नतीजा, गेंद डीप
पॉइंट बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए परिवर्तित होती हुई। इस चार रन के साथ उमेश ने अपना खाता खोला और साथ ही साथ स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। अभिषेक की अगर बात करें तो अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस बार फील्डिंग में फेरबदल। दूसरा ओवर पावर प्ले का जारी है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस तरीके से फील्डिंग को सजाया है। शॉर्ट रन अप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गेंदबाज अभिषेक। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, गति पर नियंत्रण नहीं रख पाए, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, कीपर के हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई, यानी कहा जाएगा दो रनों का इजाफा, 1+1 यानी दो रन और यहां पर मिलते हुए एक्स्ट्रा के रूप में। फिर से एक बार अभिषेक अपने बॉलिंग मार्क पर नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार विस्फोटक बल्लेबाज उमेश मांजरेकर। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, दिशा से काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर लगभग 3 रन अब तक के खर्च कर चुके हैं गेंदबाज अभिषेक। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दो आंकड़ों में दर्शाता हुआ 15 रन। दूसरा ओवर का खेल जारी है। अभिषेक की अगर बात करें तो अभिषेक अब थोड़े से महंगे साबित होते हुए, फिर से एक बार अभिषेक अपनी पोजीशन लेते हुए गेंदबाजी की। इसी बीच ये गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों में एक रन और जुड़ता हुआ। बैक टू बैक 3 गेंदे यहां पर कहा जाएगा एक्स्ट्रा के रूप में की है। जब डेंजर बैट्समैन हो, विस्फोटक बल्लेबाज हो, तो गेंदबाज के मन में थोड़ी सी बिल्कुल कहा जाएगा कि डर सा रहता है, और उसी तरीके का दृश्य उभर कर सामने आता हुआ। उमेश मांजरेकर ने पहली गेंद का सामना किया था, 4 रन का स्ट्रोक जरूर खेला था, और उसके बाद यहां पर अभिषेक की लाइन और लेंथ पूरी तरीके से बिगड़ती हुई और एक्स्ट्रा के रूप में लगभग यहां पर 3 गेंदे वाइट के रूप में की हैं, जिसमें एक गेंद पर 22 के रूप में एक रन जरूर मिला है। स्कोर आगे खसकता हुआ जा पहुंचा है 16 रनों पर, एक विकेट के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई स्ट्राइकर्स की टीम का। इस बार कप्तान ने कुछ कान मंत्र दिया है यहां पर अभिषेक को, तो देखते हैं ये कान मंत्र कितना फायदेमंद साबित होता है, कितना फायदेमंद होगा या फिर हानिकारक, ये देखना जरूरी। सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार रनों की मशीन उमेश मांजरेकर। इस बार सिली मिड ऑफ पर खुद कप्तान खड़े हो चुके हैं अशोक। इसी बीच अभिषेक की ये गेंद, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में। भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो उमेश मांजरेकर जैसे खिलाड़ी पवेलियन के लौट सकते थे गेंद डॉट के रूप में। सुरक्षित बल्लेबाज अब तक के नजर आते हुए। फिर से एक बार अभिषेक अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तैयार उमेश मांजरेकर। इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया फुल एंड डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप और बिल्कुल कहा जाएगा कि वाइट की लाइन के बीच में यॉर्कर लेन की गेंद। बल्लेबाज गेंद को रोकने में, बिल्कुल कहा जा सकता है बड़े स्ट्रोक खेलने में नहीं बल्कि सिंगल करने के प्रयास से बल्ले का मुंह खोलते हुए, लेकिन कोई इजाफा नहीं। सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को फील किया, कोई रन नहीं, गेंद डॉट के रूप में। अच्छी वापसी, जो कान मंत्र जरूर गेंदबाज को अभिषेक को दिया था उनके कप्तान ने, अब वो फायदेमंद साबित होता हुआ। फिर से एक बार अभिषेक, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज ने बल्ले की जड़ से खेला स्ट्रोक को, अपनी विकेटों को बचाने की कोशिश की और एक रन चुराने में कामयाब। इस एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, दो ओवर यानी पावर प्ले के दो ओवर समाप्त होते हुए, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ स्ट्राइकर्स की टीम का 17 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, दो विकेटों के नुकसान के बाद 17 रन। गेंदबाजी की कमान पर आ रहे हैं लंबे चौड़े कद के एक तेज तर्रार गति के महारथी गेंदबाज प्रदीप बड़े, वाकई में बड़े हैं, काफी लंबे चौड़े कद के हैं प्रदीप, अपने मन मुताबिक फील्डिंग सजाते हुए। तो देखते हैं जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग को सेट किया है, क्या उसी तरीके की उसी लाइन पर गेंद करते हैं या फिर बल्लेबाज उन पर हावी होते हैं।
देख सकते हैं चार खिलाड़ी सर्कल के अंदर तैनात किए गए हैं, एक पॉइंट, एक शॉर्ट मिड ऑफ, एक खिलाड़ी बिल्कुल सिली मिड ऑन पर और एक खिलाड़ी मिड ऑन की दिशा में। इसी बीच प्रदीप की पहली गेंद उमेश मांजरेकर के लिए, काफी तेज तर्रार गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, बैट और बॉल की बिल्कुल यहां पर मुलाकात नहीं, गेंद शरीर से जा टकराई, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रनों में एक रन जुड़ता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और मिलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, यानी 17 का जो खतरा था वो पूरी तरीके से मंडलाता हुआ नजर आया था, लेकिन उस 17 के खतरे को आसानी के साथ यहां पर बल्लेबाज पार करते हुए और एक रन लेने में कामयाब। अब सामना करने के लिए तैयार है हार्दिक, छोटे से कद के हैं लेकिन विस्फोटक खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं, और साथ ही साथ सामना करेंगे गेंदबाज प्रदीप बड़े, जिन्हें प्यार से मामा कहा जाता है। प्रदीप फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, खूबसूरत कैच, एक और झटका स्ट्राइकर्स की टीम को लगता हुआ। नए बल्लेबाज अमित गोलतकर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है इस टीम के, कप्तान स्ट्राइकर्स के, इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर कदमों का इस्तेमाल कर गेंद को दिशा दी है, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। आज इस ग्राउंड पर कहा जा सकता है कि यंगस्टर्स तो है और साथ ही साथ सीनियर खिलाड़ी भी काफी मौजूद, अमित गोलतकर, उसी तरीके से उमेश मांजरेकर, ये जो सितारे हैं अपने दौर के काफी बड़े सितारों के रूप में जाने और पहचाने जाते थे और आज इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो देखते हैं उसी तरीके की शाइनिंग अब तक के मौजूद है या नहीं। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देने की कोशिश, गेंद डॉट के रूप में तेज गति से कीपर के हाथों में जाती हुई डॉट के रूप में। मामा की अगर बात करें तो निजी दूसरा ओवर लेकर आए हैं और टीम के लिए व्यक्तिगत तीसरा ओवर लेकर। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को फ्लिक किया, गेंद डिक्लेयर जोन में लेग साइड की दिशा में, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर खसकता हुआ जा पहुंचा है 20 रनों पर, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, मामा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, अब तक के सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद डॉट के रूप में, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइकर टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 20 रन, विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद। नए गेंदबाज दिनिया को लाया गया है, सामना करने के लिए तैयार है उमेश मांजरेकर। दोनों ही सीनियर खिलाड़ी विकेटों के बीच में नजर आते हुए, एक तरफ की कमान संभाली है अमित गोलतकर ने और एक तरफ की कमान संभालते हुए बिल्कुल उमेश मांजरेकर। ये अच्छी बात है, पार्टनरशिप की जरूरत है, रनों को रोकने की जरूरत है यहाँ पर गेंदबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक के देखने मिला है, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, 3 विकेट जरूर गवाए हैं स्ट्राइकर्स ने। अगली गेंद लेकर तैयार पूरी तरीके से दिनिया, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया है, गेंद हवा में, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, अंपायर का इशारा, बिल्कुल एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। आधी विकेट पे शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल
शॉर्ट पिच गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की, बैट और बॉल की जब मुलाकात हुई गेंद डिक्लेयर जोन यानी बिल्कुल कहा जाएगा एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर 21 रनों पर दर्शाता हुआ, विकेटों की अगर बात करें तो 3 विकेटें जा चुकी हैं। यहां पर अशोक 11 पवई ने पहले टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का नहीं बल्कि गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, अपनी सहयोगी टीम यानी स्ट्राइकर को आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। जब तक के बल्लेबाज गेंद पर प्रहार करते सिली मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात खुद कप्तान अशोक बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं गेंद डॉट के रूप में। दुनिया की अगर बात करें तो काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, 25 से 30 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं और लाइन पर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस बार ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिस टाइमिंग जरूर, गेंद हवा में, शॉर्ट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात और उमेश मांजरेकर एक सीनियर खिलाड़ी एक बेहतरीन खिलाड़ी का विकेट जरूर जाता हुआ और इनकी इनिंग की समाप्ति होती हुई। सुंदर कैच शॉर्ट मिड ऑफ पर पकड़ा गया है, बिल्कुल मुन्ना ने कोई चूक नहीं की और एक बड़ा विकेट लेने में गेंदबाज दिनू की मदद की और एक बड़ा विकेट उमेश मांजरेकर जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन के लौटते हुए। अब लाया गया है रोहित को, तो देखते हैं, काफी कम गेंदें बची हैं, जरूर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। लगभग 40 रनों के आसपास अगर यहां पर स्कोर किया जाए तब जाकर कुछ बात बन सकती है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार दिनो, इस बार गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, कीपर की थोड़ी सी चूक, गेंद डिक्लेयर जोन की तरफ, यस 22 के रूप में एक रन जरूर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। दिनू काफी तेज तर्रार गेंदबाज हैं और गति में फेरबदल करने में भी माहिर हैं। उसी तरीके से बीट किया था गेंद को, डॉट किया था लेकिन कीपर का साथ नहीं मिला, एक रन डिक्लेयर जोन की तरफ जरूर गेंद गई थी, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। सामना करने के लिए तैयार अमित गोलतकर, अब तक के कोई बड़ा स्ट्रोक देखने नहीं मिला है इनके बल्ले से। इसी बीच ये गेंद, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, फिर से एक बार उसी तरीके की चूक, कीपर के हाथों से गेंद छटकती और छूटती हुई, फिर से एक बार डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन जरूर मिलता हुआ। कीपर की अगर बात करें तो दो गेंदें अब तक के छोड़ चुके हैं और दो गेंदों पे दो रन। रियाज, जरूर रियाज से थोड़ी सी चूक हुई है लेकिन देखते हैं इस चूक को किस तरीके से, किस अंदाज में भरपाई करते हैं। इसी बीच ये गेंद, इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया गेंद। अमित पहले से ही मन बना चुके थे कि गेंद को मिड विकेट या मिड ऑन की दिशा में खेलना है लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद शरीर से जा टकराई और सिली मिड ऑफ पर खुद कप्तान अशोक तैनात थे, जाकर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 23 रन्स, 4 विकेटों के नुकसान के बाद स्ट्राइकर्स की टीम का। स्ट्राइकर्स की अगर बात करें तो इनकी गेंदबाजी काफी डेंजर मानी जाती है लेकिन यहां देखा जाए तो रनों की अगर बात करें तो काफी कम रन, 24 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 23 रन बनाने में अब तक के कामयाब यहां पर बल्लेबाज नजर आए हैं। और बात करते हैं गेंदबाजी की, जिस अंदाज में अशोक 11 पवई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, उनके कप्तान ने गेंदबाजों पर भरोसा जताया था, अब तक के गेंदबाज उनके मन मुताबिक यानी टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया था उस पर खरे साबित होते हुए अब गेंदबाजी की कमान पर आए हैं। गेंदबाज मुन्ना को लाया गया है अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए, गेंदबाज मुन्ना, पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, मामा से थोड़ी सी मिसफील्डिंग, जब तक के गेंद को रिसीव करके थ्रो कर पाते, 2 रनों की तेज तर्रार दौड़ लगती हुई और 2 रन लेने में कामयाब। अब बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक की चाह में अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए, अब बड़े स्ट्रोक जरूर खेलना चाहेंगे क्योंकि अंतिम और आखिरी ओवर है, अब नहीं तो कब नहीं। बिल्कुल उसी अंदाज में
अगली गेंद लेकर तैयार है मुन्ना, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, शॉर्ट पिच गेंद थी, गति के साथ साथ गेंद में उछाल जरूर देखने मिली। बल्लेबाज बैट का मुंह पहले खोलते हुए गेंद पीछे से डॉट के रूप में डिलीवर होती हुई और इस डॉट के साथ मुन्ना अच्छी वापसी करते हुए इस बार फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल करना चाह रहे हैं कप्तान अशोक। देख सकते हैं लेग साइड की व्यू रचना किस तरीके से सजाई गई है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी तैनात और खुद कप्तान सिली मिड ऑन, बिल्कुल सिली मिड ऑन पर तैनात है। अगली गेंद लेकर तैयार मुन्ना, फिर से एक बार हवा पूरी के पूरी बल्लेबाजों के पक्ष में बहती हुई, इस बार तेज गति की गेंद थी, गति काफी तेज थी लेकिन सही तरीके का टप्पा देखने नहीं मिला, गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और मिलता हुआ। ऑफसाइड की व्यू रचना देख सकते हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर्स की दिशा में और एक खिलाड़ी को तैनात किया गया सिली मिड ऑफ पर। इस तरीके से फील्डिंग को सजाया गया है। गेंदबाज मुन्ना निकल पड़े अपने बॉलिंग मार्क से। इसी बीच ये गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल किया, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए। इस चार रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 30 रन, तीन गेंदे अभी भी आना शेष हैं मुन्ना की, तीन गेंदे अभी भी आना बाकी हैं। अगर स्ट्राइकर की टीम 40 रनों के आसपास पहुंचती है तो फिर यहां पर कुछ बात बन सकती है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार मुन्ना, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लेकिन सुंदर सा कैच, शॉर्ट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, गेंद हाथों में समाती हुई, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आउट होकर रोहित पवेलिंका लौटते हुए, बड़ा विकेट और सुंदर कैच यहां पर जरूर लपका है भाई ने, क्या बात है, सिद्धेश कदम बिल्कुल मैन फॉर वड़ाला, बहुत ही सुंदर कैच लपका है और एक अच्छे होनहार बल्लेबाज जो कि सेट बैट्समैन के रूप में नजर आ रहे थे रोहित, उनका विकेट लिया है। स्कोर की बात करें तो स्कोर अब तक के थमा हुआ 30 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए मुन्ना, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं माया। कल की अगर बात करें तो कल का जो पहला मैच था, पहली मैच का रिकॉर्ड एक इतिहास रचा गया है, 27 रन, 5 ओवर में 27 रन का लक्ष्य रखा गया था और 27 रन का जो लक्ष्य था वो पहली मैच टाई देखने मिली थी और मैच गई थी सुपर ओवर में। इसी बीच मुन्ना की गेंद, इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद हवा में और ये बेहतरीन सिक्सर, व्हाट अ स्ट्रोक, बिल्कुल ये 6 रनों की मदद से स्कोर छलांग लगाता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पर। आते ही साथ प्रहार किया है बल्लेबाज माया ने, बिल्कुल कहा जाएगा कि रेगिस्तान में बारिश इस तरीके का सिक्स, इसकी जरूरत थी और इसकी जरूरत पूरी की माया ने, व्हाट अ स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, बैट से सुंदर सी धुन निकलती हुई जब बैट और बॉल का मुलाकात हुई, गेंद हवाई यात्रा करती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, डीप लॉन्ग ऑन पर मामा तैनात थे, दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मुन्ना की अभी भी एक गेंद आना बाकी है तो देखते हैं इस एक गेंद पर किस तरीके का प्रहार करते हैं, इस गेंद पर कितने रन जोड़ने में कामयाब होते हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार गेंद थी डॉट के रूप में, इसी के साथ 5 ओवरों का कोटा समाप्त होता हुआ, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई अशोक 11 पवई की टीम ने स्कोर किया है 36 रन और जीत के लिए लक्ष्य यहां पर अशोक 11 पवई की टीम के लिए रखा है वो है 37 रनों का। तो देखते हैं इस लक्ष्य को अशोक 11 किस अंदाज में, किस तरीके से पार करती है या फिर यहां पर स्ट्राइकर के गेंदबाज पूरी तरीके से हावी होते हैं, क्या होगा क्या नहीं, कुछ ही वक्त के बाद फिर हम आपसे रूबरू होंगे।
अगर किसी के घर की चाबी गुम हो गई हो तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर रिसीव कर ले। अगर किसी के घर की चाबी मिस हो गई हो तो हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर रिसीव कर ले। और अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आते वक्त जूना बॉल कलेक्ट कर ले आए। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ वक्त के बाद फिर आपसे हम रूबरू होंगे अगली पारी के वक्त, किस तरीके की दुर्घटना घटती है, कौन सी टीम जीत का परचम लहराती है और कौन सी टीम इस ग्राउंड को छोड़कर जाती है, इस प्रतियोगिता को छोड़कर जाती है। कुछ वक्त के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हरदिल अजीज, जिनके मार्गदर्शन से इस प्रतियोगिता को रखा गया है, माने श्री रंजीत भाई नायर, समाज सेवक, यंगस्टर मित्र मंडल के प्रमुख सलाहकार के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। वेलकम सर, सुस्वागतम। इनके ही मार्गदर्शन से इस टूर्नामेंट को रखा गया है। रिशान चैंपियन चषक 2016 हमारे बीच जुड़ चुके हैं माने श्री रंजीत भाई नायर सर, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी सोच के अनुसार इस प्रतियोगिता को रखा गया है। और आज के दिन बॉम्बे की नामी ग्रामी टीमें इस मैच में, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में।
गेंदबाजी की कमान संभालते हुए राकेश अपनी टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं बाबा और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं सिद्धेश। इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी, पहली गेंद तेज तर्रार गेंद, तेज गति की गेंद, बल्लेबाज बाबा बैकफुट पर जाकर गेंद को सिर्फ और सिर्फ आशा भरी निगाहों से देखते हुए गेंद डॉट के रूप में। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर करारा प्रहार, गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, दूसरे रन के लिए तेज तर्रार दौड़। जब तलक के गेंद को फील करके थ्रो किया जाता, दो रनों की तेज तर्रार दौड़ लगती हुई, दो रन लेने की कोशिश की, लेकिन एक रन शॉट के रूप में अंपायर का इशारा आता हुआ एक रन शॉट के रूप में। बिल्कुल बाबा जब दौड़ लगा रहे थे बल्ले को ग्राउंड करना भूल चुके थे, सही तरीके से पॉपिंग क्रीज के अंदर अगर बल्ले को ग्राउंड किया होता तो शायद दो रनों का फायदा हो सकता था, लेकिन यहां पर चूक करते हुए और चूक का भुगतान एक रन माइनस होता हुआ। इसी बीच अगली गेंद राकेश की, इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, गेंद डिक्लेयर जोन यानी थर्ड मैन की दिशा में, एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं नजर आता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ दो रन। अगली गेंद लेकर तैयार राकेश, अनुभवी गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कहा जाएगा बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद शॉट मिड ऑफ की दिशा में डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, नाकामयाबी हाथ लगती हुई। अगर गेंद राकेश यानी गेंदबाज के हाथ में थ्रो की जाती तो शायद यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतंग हो सकता था, एक बड़ा विकेट हाथ लग सकता था। मोनू जहां कहीं पर भी हो प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए मोनू। अगली गेंद लेकर तैयार है फिर से एक बार राकेश अपने बॉलिंग मार्क पर, एक अनुभवी गेंदबाज, शॉर्ट रनअप से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, सामना करने के लिए तैयार सिद्धेश। पहले से ही मन बना लिया था बड़ा स्ट्रोक करने का, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, जब तक के मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील करते थ्रो करते एक रन चुराने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तारीफ करनी होगी स्ट्रोक विद द रन, दौड़ते हैं दोनों ही बल्लेबाज, एक अच्छी पार्टनरशिप की कोशिश अब तक के जारी है। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ चार रन। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, छह रनों के लिए, व्हाट अ स्ट्रोक, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बाबा के बल्ले से निकलता हुआ धुआंधार सिक्सर, ये छह रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है दो आंकड़ों में 10 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन। जीत के लिए 27 रनों की और जरूरत। तो दोस्तों आज यहां पर इस ग्राउंड पर बॉम्बे के दिग्गज खिलाड़ी यानी टेनिस क्रिकेट के बड़े से बड़े सितारे आपको यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए जरूर दिखेंगे। तो चलते हैं, नए गेंदबाज को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर संदीप दलवी। संदीप दलवी एक अनुभवी एक्सपीरियंस से भरपूर गेंदबाज, संदीप दलवी काफी नामी ग्रामी गेंदबाज हैं, सीनियर गेंदबाज हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को बीट और विकेट लेने में बिल्कुल अहम भूमिका निभाने वाले ये गेंदबाज संदीप दलवी। पहली गेंद थी टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ यानी लेग ब्रेक गेंद होती हुई, कीपर हमीद गोलतकर गेंद को छोड़ते हुए और गेंद डिक्लेयर जोन में, थोड़ी सी चूक की है लेकिन अच्छी गेंदबाजी की आस लगाई जा सकती है। विकेट टेकर गेंदबाज हैं, इन्हें लाया गया है विकेट हासिल करने के लिए, इस जोड़ी को तोड़ने के लिए, तो क्या कामयाब हो पाएंगे ये देखना जरूरी। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक था लेकिन गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। वाकबिल के कैप्टन अगर आ चुके हैं तो प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। वाकबिल के कैप्टन अगर
यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। बिल्कुल, हमारे ग्राउंड में उपस्थित हो चुके हैं हमारे हरदिल अजीज नगर सेवक मान्य श्री नंदू कुमार वैती जी। वेलकम सर, सुस्वागतम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। रिशान चषक, बिल्कुल रिशान चैंपियन चषक 2016 में आपका मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत सर। चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री नंदू कुमार वैती सर से कि प्लीज सर आइए, हमारे स्टेज की शोभा बढ़ाइए, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर आइए। और साथ ही साथ वाकबिल के अजय जी कदम भी आ गए। वेलकम सर, अजय पाटिल सर, सुस्वागतम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत माने श्री रंजीत नायर साहब की तरफ से रिशान चैंपियन चषक 2016 में। इस बार ये गेंद बहुत ही बढ़िया थी, कलाइयों का उपयोग किया, बिल्कुल सम्मानजनक स्ट्रोक, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर की अगर बात करें तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 17 रन। जीत के लिए अभी भी यहां पर 20 रनों की जरूरत है। दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, लगभग 18 गेंदों में 20 रन की जरूरत, तो देखते हैं इस 20 रन को किस अंदाज में, किस तरीके से पूरा करती है अशोक 11 पवई की टीम या फिर नए गेंदबाज भूषण अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। पहली गेंद लो फुल टॉस थी, पैडल स्वीप करने का प्रयास किया है, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में, एक रन का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन की मदद से स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन। अगली गेंद लेकर तैयार भूषण। इसी बीच ये गेंद इस बार मिडल स्टंप से
ब्लैक ब्रेक होती हुई गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा के रूप में एक रन जरूर जुड़ता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर 20 रनों पर जा पहुंचा है। जीत के लिए 17 रनों की और जरूरत है, 17 रनों की और दरकार है। इस बार लो फुट टॉस गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील किया गया, कोई रन नहीं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हरदिल अजीज मेहमान मान्य श्री नंद कुमार वैती सर। वेलकम, सुस्वागतम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत रिशान चैंपियन चषक 2016 में। माननीय श्री रंजीत भाई नायर साहब की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आपके स्वागत में बल्लेबाज ने भी सिक्स के साथ शुरुआत की है, मैच को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश की है। कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको टॉस के लिए हमारे वीआईपी डाइस पर आना है। साथ ही साथ शिव शक्ति पाले कैप्टन, आपको भी आना है। सचिन कदम, शिव शक्ति पाले वर्सेस कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल के बीच अगला मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको टॉस के लिए हमारे वीआईपी डाइस पर आना है। कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल के मेघा और शिव शक्ति पाले के सचिन कदम, प्लीज दोनों ही कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीआईपी डाइस के पास आ जाएं। तो चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं मैच का इक्वेशन और सिचुएशन किस प्रकार का अब तक के चलता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दर्शाता हुआ 27 रन, जीत के लिए 10 रनों की और जरूरत है इस मैच को। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा प्रहार, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 6 रनों के लिए। वाकबिल के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको टॉस के लिए आना है। वाकबिल के कैप्टन प्रीतेश आइए प्लीज। इस बार फुल एंड गेंद थी, सम्मानजनक स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, एक रन दौड़कर पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। शिव शक्ति पाले के कैप्टन, शिव शक्ति पाले के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सचिन कदम, आपको भी ताबड़तोड़ आना है टॉस के लिए। मैच की अगर बात करें तो पूरी तरीके से रुक मैच का पलटता हुआ, जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत है। तो देखते हैं ये 3 रन किस अंदाज में किस तरीके से पूरा किए जाते हैं। कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल के कैप्टन प्रीतेश आ चुके हैं और शिव शक्ति पाले के सचिन कदम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट माननीय श्री नंद कुमार वैती सर से कि आपके शुभ शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाए। दोनों ही नामी ग्रामी टीमें हैं, दोनों ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली टीमें हैं। एक तरफ है कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल ठाणे और एक तरफ है शिव शक्ति पाले। बिल्कुल, शिव शक्ति पाले वर्सेस कुणाल स्पोर्ट्स वाकबिल, दोनों के बीच टॉस होने जा रहा है। माननीय श्री नंद कुमार वैती सर के शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जा रहा है। तो देखते हैं आशीर्वाद किस टीम को मिलता है, कौन बनता है टॉस का बॉस, टॉस जीतने वाली टीम कौन सी है, टॉस किसने जीता है। प्लीज, शिव शक्ति पाले ने टॉस जीता है। शिव शक्ति पाले, अपना निर्णय आपको ताबड़तोप जल्द से जल्द हम तक के पहुंचाना है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो दोनों ही टीमों को बेस्ट ऑफ लक हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के माध्यम से। चलते हैं अब मैच की तरफ, रुख करते हैं। मैच में कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है, एक रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और इस स्ट्रोक के साथ मैच की समाप्ति होती हुई, अशोक 11 पवई ने इस मैच को जीत लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अशोक 11 पवई, और हार्ड लक बिल्कुल कहा जाएगा यहां पर स्ट्राइकर्स
कोई बात नहीं, स्ट्राइकर्स इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई और अशोक इलेवन की टीम ने अपनी जीत का परचम यहां पर जरूर लहराया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले मुकाबले की तरफ। एक तरफ वाघबिल के वाघ हैं तो दूसरी तरफ शिव शक्ति पाले की शक्ति। तो कौन सी टीम होगी जो अगले दौर में यहां पर प्रवेश करेगी? कुछ ही वक्त में मैच की शुरुआत होगी। शिव शक्ति पाले जल्द से जल्द अपना निर्णय, टॉस जीतने के बाद आपने क्या करने का फैसला किया है उसका निर्णय हम तक पहुंचाएं। अशोक इलेवन, आपके कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कहीं नहीं जाना है, इसके बाद आपका ताबड़तोप मुकाबला होगा, ये चीज ध्यान में रखें।